आज की हमारी टॉपिक है, कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम स्पेशल, कोड़ों का मान ज्ञात करना। कोड़ों का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हमने कुछ चार्ट दे दिया पहले से कि आप इससे टैली करते रहें। इसको याद करने का तरीका हम बताने वाले हैं आसान शब्दों में कि आपको याद कैसे करना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस एक, सेक और कॉट का मान क्या होता है, उसके 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 का मान हम कैसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस एक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक, ये जो कोण होता है आप वहां से टैली कर सकते हैं कि देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है, पहले 0 लेंगे, थीटा का मान जो होता है 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर क्या होता है 90 होता है, ठीक है। तो देखिए, हमें कुछ याद नहीं करना, उतना बड़ा चार्ट हमें याद नहीं करना है, बस देखिए कैसे क्या करना है। पहले देखिए, आप सभी को 0 से 4 तक की गिनती आराम से याद होगी, याद होगा ना 0 से 4 तक की गिनती। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 क्या करना है, 4 तक पूरी गिनती लिख लेना। अब आप गिनती कहाँ तक लिखे हैं, 4 तक, तो सब में 4 से भाग दे दीजिए, 4, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ शब्दों में हमें अंडर रूट मिलता है, इसीलिए सभी संख्याओं का हम वर्गमूल ले लेते हैं, क्या कर देते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान होता है 0। 1/4, देखिए 1 अंडर रूट में है, बाहर निकलेगा तो 1, और 4 कितना, वर्गमूल कितना होता है 2, 1/2। यहाँ पे देखिए, 2 से अगर हम 4 काटे तो 2 × 2 = 4, ऊपर कितना बचा 1, तो 1 का 1 और नीचे कितना है, √2 है, ठीक। ये देखिए, √3 कितना मिल रहा, 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2। अब देखिए, 4 से 4 कट जाएगा, खुद कितना बचेगा 1। आप टैली करते रहिए, वहां पे देखिए साइन 0 का मान कितना मिला 0, साइन 30 का मान कितना मिला 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 1, देखिए मैच कर रहा है ना। देखिए फिर से हम क्या बताते हैं कि क्या क्या किया हमने, कि पहले सबसे पहले 0 से 4 तक की गिनती लिख ली, ठीक, और जहां तक गिनती लिखी उसी से हमने सब में भाग दे दिया, फिर सबका वर्गमूल ले लिया। अब वर्गमूल लेने के बाद क्या हुआ, उसको सॉल्व करके बाहर निकाल लिए। अब हम देखते हैं, बस एक ही याद करना है आपको, कुछ नहीं याद करना है, सब आसानी से आने वाला है। तो ध्यान दीजिए, जब ये लिख दिए हैं, अभी इधर से जो आया है यहां से लिखते हुए चले जाएंगे तो कॉस एक कॉस का मान हमें मिल जाता है। तो देखिए, इस वाले में 90 में कितना है 1, इसमें कितना है √3/2, इसमें कितना है 1/√2, इसमें कितना है 1/2, इसमें कितना है 0, आसान है। देखिए, 2 मान हमें वैसे ही याद हो गया, ठीक है, मात्र आप 2 मिनटों में लिख सकते हैं इससे, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करना है, जो टेन थीटा है वो क्या होता है, आपको ध्यान होगा कि आप पढ़े होंगे थोड़े से, जैसे इसको पहले बना लिया जाए, ध्यान दीजिए कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, क्या होता है, ये जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं, देखिए साइन थीटा का मान कितना मिला 0 और इसका मान कितना मिला 1, हम कह सकते हैं कि 0/1 इसका मान कितना होगा 0, 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो क्या होगा 0। अब देखिए, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो 1/2 और √3/2 दोनों को लिखा जाए 1/2 अपॉन √3/2, देखिए 2 से 2 कैंसल, बचा कितना 1 ऊपर बचा, √3 नीचे बचा, बात समझ आ रही है, देखिए मैच कर रहा होगा उसमें, 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, देखिए मिल रहा है ना ऐसे। अब इससे भी देखिए, अगर 1/ करें तो 1 रूट से रूट कट जाने वाला है, जैसे देखिए 1/√2 इसमें भी है, 1/√2 इसमें भी है, तो दोनों से ऊपर नीचे कट गए तो बचा कितना 1। अब देखिए इसमें क्या है, √3/2 है और इसको डिवाइड करना है 1/2 से, 2 से 2 कटा, बचा कितना √3। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 1/0 मतलब इतना बटा हमें इतना करना है, और ये एक चीज़ हम बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि 0 से किसी भी संख्या में अगर हम भाग दें तो उसका मान ही नहीं मिलता। आज तक कैलकुलेटर में भी आप डिवाइड करोगे तो वो भी कहेगा कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, अर्थात 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं, ये सिंबल दिया गया अपरिभाषित,
क्या कहते हैं इसको, अपरिभाषित। ठीक, अब देखिए जो टेन थीटा मिला, अब कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, ऐसे लगा देना आपको। देखिए जो कॉसेक होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है, बात समझ में आई। अब देखिए उल्टा बस करना है, अगर देखिए अब कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो हम क्या करेंगे इसका उल्टा कर दें, जीरो है, जीरो है मतलब जीरो बटा क्या है, जीरो बटा वन है, तो इसको उलाटेंगे तो वन बाई जीरो होगा, वन बाई जीरो का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब इसको उलाटेंगे, देखिए एक बटा दो है तो उलाट देंगे तो दो बटा एक हो जाएगा अर्थात दो हो जाएगा, ये देखिए रूट टू बाई वन है तो रूट टू हो जाएगा, ये देखिए दो बटा रूट थ्री हो जाएगा उलट के, आपको समझ में आ रही होगी बात। ये देखिए वन, वन को उल्टा करते रहिए कितना मान मिलने वाला है, वन ही मिलने वाला है, तो हम क्या कह देंगे वन। अब देखिए ये किसका होता है, सेक, सेक होता है कॉस का, कॉस का उल्टा होता है तो वन का उल्टा वन ही। ठीक, अब ये देखिए रूट क्या है ये, इसको हम उलाट दें, ठीक बात समझ आ रही है। देखिए हम इसको उलाटेंगे तो क्या होगा, टू बटा रूट थ्री, ये देखिए रूट टू, और ये कितना होगा दो होगा, और ये कितना होगा जीरो को हम उलाटेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अर्थात जीरो बटा वन है तो वन बाई जीरो करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट अर्थात अपरिभाषित। अब ये बचा लास्ट वाली वैल्यू, ये तो याद ही नहीं करना आपको, बस देखिए जैसे क्या है वैसे ही लिख देंगे। देखिए कॉट जो होता है इसका उल्टा होता है, अर्थात हम इधर से वैल्यू लिख सकते हैं, देखिए तो कितना हो रहा है टेन, टेन और कॉट का अपोजिट होता है, तो इधर से लिख सकते हैं कि वन इनफाइनाइट, देखिए रूट थ्री वन, वन अपन रूट थ्री और जीरो, बस समझ में आ रहा। देखिए आप टैली करते रहिए मान मिल जाएगा।